आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। गांव के मध्य व बस स्टैंड से लगे क्षतिग्रस्त पंचायत भवन के स्थान पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के प्रस्ताव के बाद शुक्रवार को पुराने पंचायत भवन के पास दुकानों के किराए हेतु आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया पूर्ण की गई। नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए 1,00,000 रुपए धरोहर राशि तय की गई थी। प्रस्तावित 19 दुकानों में से 15 दुकानें नीलाम हुई तथा 1 अजजा महिला, 1 अजजा पुरुष तथा 2 अनारक्षित दुकानें शेष बची, जिसे आगामी दिनों में नीलाम किया जाएगा। 1,00,000 रुपए जमा कर नीलामी प्रक्रिया में बोली के लिए पात्र हुए 21 लोगों को एकत्रित हुई राशि तथा बोली लगाकर दुकान लेने वालों से प्राप्त होने वाली कुल राशि 60,30,000 रुपए को कॉम्प्लेक्स निर्माण में उपयोग किया जाएगा। इन 19 दुकानों में कहीं नए रोजगार हेतु दुकानें सजेंगी, जिससे ग्राम में मार्केट बढ़ेगा एवं पंचायत की आय में वृद्धि होगी। दीपक सोनी, सचिव ग्राम पंचायत जुड़वाला। किस संबंध में नीलामी का यहाँ पे बैठक रखी थी? द्वारा पूर्व से प्रस्तावित दुकानों की किराया हेतु नीलामी के लिए आज जो यहाँ पर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बोली द्वारा भाग लेकर के दुकानों की नीलामी किराया हेतु दी गई है। कितनी दुकानें थी? टोटल 19 दुकानें थी हमारे। अच्छा, उसमें से अभी कितनी नीलामी हो चुकी है और कितनी शेष बची है? 19 में से हमारे यहाँ अभी 4 नहीं गई है। अच्छा, क्या थी बोली प्रारंभ वाली? स्टार्ट प्राइस उसका बेसिक 3,00,000 रुपए से स्टार्ट बोली थी जी। उसके ऊपर व्यक्ति जितने पैसे लगा के बोली ले सकता था, दुकान किराए से दी गई है। अच्छा, कितने बाय कितने की दुकानें रहेगी सभी है? फ्रंट की जो आगे की दुकानें हैं, 3 दुकानें 17-18 को छोड़ के, 17-18-19 को छोड़ के सारी दुकानें लगभग 3x3 मीटर की है। अच्छा, उसमें कई गली रास्ता वगैरह क्या रहेगा? हाँ, सब में 4 पैसेज बने हुए हैं। अच्छा, और लगभग उसमें 6 फीट का रास्ता है। 6 फीट का रास्ता है। सभी दुकानें जो बननी है कब तक बनेगी? दुकानों का निर्माण तो वर्तमान में जैसे हम तो चाह रहे हैं कि 2-4 दिन में स्टार्ट कर दें। अच्छा, और उसको लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट करके जिन भी व्यक्तियों द्वारा बोली में भाग लेकर दुकान दी है। अच्छा, उनको हैंड ओवर। प्रारंभ में कितनी राशि जमा करवा रहे हैं? 1,00,000 रुपये। और बाकी शेष? बाकी शेष 8 दिन में करवाना है 3,00,000 रुपये। बाकी जो है उसकी 3 किस्तर और 6 साइड होगी जब हो जाए। यदि कोई के पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो क्या रहेगा? राशि रास्ता ही पूरे कि कुछ राहत मिलेगी उसमें? नहीं, कुछ नहीं। तो जो डिसीजन ग्राम पंचायत ने पहले ऑलरेडी कर लिए हैं उसी आधार पर हमको काम करना है।